सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 20 के नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पुलिस रिटेन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिससे पहले हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, और जिसका सही आंसर था 12, और जिसका आंसर सबसे पहले नवीन सोलंकी, कृष्ण सिंह और सत्यम शुक्ला ने दिया। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुपर 20 का जो पहला सुपर क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है। वो है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आंसर है दोस्तों इसका 1757। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी। आंसर है दोस्तों इसका जॉर्ज क्लार्क। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिटन एग्जाम में आ चुका है। तीसरा है दोस्तों इसका, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था। आंसर है दोस्तों इसका जे ए हिक्की द्वारा किया गया था। मैं आपको बता दूं 1780 में जे ए हिक्की ने यह अखबार शुरू किया था, और इसका नाम था दोस्तों द बंगाल गेजेट अखबार था 1780 में जे ए हिक्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी कब शुरू की। वो की थी दोस्तों 1835 में, भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी या किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर है दोस्तों इसका लॉर्ड मैकले ने। दोस्तों इसका ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर है दोस्तों इसका लॉर्ड मैकले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों इसका, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, यानी कि भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था जो कि सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, करीब तीसरा क्वेश्चन था ये कि भारत में सबसे पहला प्रकाशित अखबार कौन सा था। मैं आपको बता दोस्तों, अंग्रेजी अखबार था वो जो कि जे ए हिक्की द्वारा हुआ था। ये पूछ रहा है कि कौन सा अखबार था। दोस्तों मैंने इसका नाम बताया था आपको, द बंगाल गेजेट। द बंगाल गेजेट जे ए हिक्की द्वारा 1780 में पहला अखबार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, यानी कि अंग्रेजी शासन में किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों एक गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों इसका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिटन एग्जाम में आ चुका है। इस बार यूपी पुलिस एसआई के रिटन एग्जाम में भी ये आया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। मैं आपको बता दूं इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है वो, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ये भी दोस्तों इससे रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों तीन ये जो बताया मैंने, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये थे। तो इसके जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय। अगला है दोस्तों इसका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संस्थापक कौन थे। इसके थे जेके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला है दोस्तों इसका, वापस वेदों की ओर लौटो का किसके द्वारा कहा गया, वापस वेदों की ओर लौटो। दोस्तों इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। आंसर है दोस्तों इसका विवेकानंद। दोस्तों काफी लोग सोच रहे हो कि दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना नहीं की थी, जो विवेकानंद है ये इनके शिष्य थे, तो इन्होंने ही, इनकी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों इसका, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों ये पूछ रहे हैं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि क्यों शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन।
दोस्तों आंसर बता दूंगा आपको इसका, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, यानी कि जब बंगाल विभाजन हुआ था करीब 1905 में, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो कि वॉइसराय थे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो उसके विरोध में ही जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दो तीन क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी थी, तो इसका जनक किसे कहा जाता है, किसने शुरू की थी। इसका आंसर है दोस्तों ए ओ होम्स द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी, यानी कि इसके फाउंडर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका दोस्तों आंसर बता दूं आपको, श्रीमती एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, यानी कि एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये भी रिटन एग्जाम में पूछा गया है, इस पे लिखा भी है दोस्तों, काफी बार रिटन एग्जाम में पूछा गया है, करीब 7-11 बार ये रिटन एग्जाम में आ चुका है। एनी बेसेंट है, यानी कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट थी। तो दोस्तों ये तो थे आज के सुपर 20 क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस रिटन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अपने आप में एक सुपर क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस रिटन एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों वो क्या है। भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी, यानी कि भारत में सबसे पहली यात्री जो रेलगाड़ी थी वो कब चली थी। एक बार और बता दूं, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। दोस्तों इसके ऑप्शन में आपको बता दूं, जनवरी 1848 में, अप्रैल 1853 में, या मई 1857 में, या अप्रैल 1852 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, और सभी दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी सुपर 20 की ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या आप हमारे चैनल पर नए, तो प्लीज हमारा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं अपना सुपर 20 का अगला पार्ट लेकर आऊँ, वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।